बस एक ये रूम है जो सही था क्योंकि हम सो रहे थे यहाँ पर। मिशन हो गया सक्सेसफुल दोस्तों, उफ कई लोगों की सैलरी नहीं दी गई, कोई शर्म नहीं हमें बोलने में, हम वाइफ पे डिपेंडेंट है। दोस्तों सुबह सुबह उठते ही घर के हालात देख के मैंने कहा ये क्या हो गया, सब तहस नहस हो रखा है। मैंने कहा क्या हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा लगा मुझे किसी से कहीं शिफ्ट होते हैं ना, तो घबरा गया मैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि घर का क्या हाल हो रखा है। देखो दोस्तों सब बिखरे पड़े हैं, ये देखो ये सोफे के कुशंस, यहाँ सीट्स यहाँ पर हैं, कुशंस यहाँ पर हैं, ये पर्दे आ गए, मंदिर पूरा इधर हटा रखा है, ये देखो क्या रहता है, ये सब यहाँ पे लेडर यहीं रखी हुई है, ये सब खाली खाली, देखो सब कर्टन वगैरह सब निकाल रखे हैं। बस एक ये रूम है जो सही था क्योंकि हम सो रहे थे यहाँ पर। क्या हुआ, क्या आया? दोस्तों जो हमने वापस करा था ना इनका गरारा रिटर्न, वो गरारा ही था, इतना बड़ा प्लाजो कम था, गरारा ही था, तो वो रिप्लेसमेंट के लिए आ गया और ले भी गया और दे भी गया। अब देखते हैं ये पहन के देखेंगे कैसा है, फिर आपको बताते हैं। अरे यार दोस्तों देखो अभी तक ऊपर चढ़ी पड़ी है, घर को कबाड़ खाना बनाया, सफाई अभियान सुबह सुबह कर रखी हालत खराब। नाश्ता वास्ता मिलेगा है भाई? ब्रेड खा सकते हो आज? नहीं अब जब नहीं बनाओगे तो ब्रेड खानी पड़ेगी। हाँ हल्का खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों जो हमने वो मंगाया गया था जो रिटर्न होके अब नया आया है हमारा, जिसको मैं गरारा कहता हूँ, ये प्लाजो कह रहे हैं, तो अब उसको हम खोल रहे हैं। पूरा खोल के दिखाओ, अब ठीक लग रहा ऊपर से भी ना। तो दोस्तों मिशन हो गया सक्सेसफुल, तो कह रही थी अगर आपकी बार सही नहीं आया ना तो पैसे वापस लूँगी, तो ठीक है अभी पहन वन के देख लेंगे। वैसे ठीक ही लग रहा है देखने में, पहले वाला तो बाप रे बाप सामियाना होता ना पूरा वैसा था। दोस्तों इस इनके काम ने ना परेशान कर दिया है। और पता है दोस्तों नाश्ते में क्या दिया, ब्रेड, बस चार स्लाइस की ब्रेड, उससे मेरा पेट भरता है। वो कहते हैं ना मजदूर को दो रोटी दी हर शाम को, शाम तक उसको क्या कहते हैं जोते रहो हल की तरह, वो कराया था। अब ये कर्टन टांगो, जब निकाल सकती है लेकिन डाल लगा नहीं सकते, वाह। दोस्तों उफ कितना काम करवाते हैं ये लोग घर के आदमियों से। दोस्तों देखो क्या क्या काम मेरे से करवाए जा रहे हैं, मतलब कुछ भी करो कुछ भी, मतलब जो भी काम समझ आता है ना मेरे को फेंक देते हैं कि ले करो, कह रही हैं तुम काम करोगे ना तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। मुझे नहीं चाहिए दोस्तों तारीफ, मुझे सुकून चाहिए आराम, पर मुझे आराम करने देते नहीं है। अब ये कुशन दे दिए हैं, ये कवर चढ़ाओ, चलो चढ़ाने पड़ेगा। चार ब्रेड तो दिए मेरे को खाने को, तो उसका वो निकालना पड़ेगा मुझे। देखा दोस्तों मैंने आपको दिखाया मैं कितना बारीकी से और खूबसूरती से काम करता हूँ, मर्द लोग ना ऐसे काम करते हैं। कैसे हो दोस्तों? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप भी ठीक होंगे, होने चाहिए, दुखी रह के क्या होगा, खुश रहो है ना। दोस्तों मैं अभी हम मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम आपस में डिस्कस कर रहे थे और मुस्कान से भी डिस्कस हुआ, तो हमने ना एक कुछ चीज़ों पर ना फील किया कि कुछ टाइम से ना लोगों में डिप्रेशन ना बहुत ज़्यादा आ गया जब से ये लॉकडाउन का इशू हुआ था उसके बाद से, बिकॉज
हमने तीन चीज़ें नोट करी है। एक तो पहले जो लोगों की जॉब छूटी है लॉकडाउन में, क्योंकि कई चीज़ें बंद हो गई, कई लोगों को निकाल दिया गया और कई लोगों की सैलरी नहीं दी गई, कईयों को अब अगर जॉब पे जा रहे हैं तो उनकी सैलरी आधी मिल रही है, हम लोग भी हैं उनमें से। तो दोस्तों मेरा तो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रखा है, फिर उसको समझाया हमने, यार मैंने कहा टेंशन मत ले यार, हम लोग हैं तो टेंशन क्यों ले रहा है, फ्रेंड्स फैमिलीज किस लिए होती है, सपोर्ट करने के लिए होती है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यार आप लोगों के भी पास कोई अगर ऐसा बंदा हो ना जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो उसको सपोर्ट करो, क्योंकि दोस्त और दोस्त यार और फैमिलीज होती हैं जो सपोर्ट करती हैं। और जो बंदा डिप्रेस है ना, मैं उसको भी बात बोलता हूँ, अबे कुछ ही रखा डिप्रेस होने में, खुश रहे सब ठीक हो जाएगा एक दिन, फैमिली तुझसे बहुत प्यार करती है जैसे मुझसे प्यार करती है ना, ऐसे तुझसे भी बहुत प्यार करती है, तो खुश रहे, तू खुश रहेगा तो वो भी खुश रहेंगे, मैं तो ये कहता हूँ। और खुश रहने का क्या है, अपने आप को बिजी रखो, फैमिली के साथ रहो, मस्त रहो, और अपने आप को कभी बाहर घूमने जाओ, एक्सरसाइज करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ और अपना जिम भी, जिम तो जा ही रहा हूँ, साथ साथ में ब्लॉगिंग करता हूँ। तो ये चीज़ें अपना आपको बिजी रखो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अपने आपको शांत रखो, दोस्तों से मिलो जाके, ठीक है। और जितना ज़्यादा अपने आपको एक्सप्लोर करो तो, और प्रॉब्लम यार आ जाइए वो भी चली जाएगी, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। क्या हम लोगों में टेंशन चल रही है, हमारे भी जॉब में टेंशन चल रही है, लेकिन हमने टेंशन को हावी नहीं होने दिया, हम खुश रहने की कोशिश करते हैं। और जैसे मुस्कान है ये कभी दुखी रहने नहीं देगी, ये तो इसके साथ तो वैसे बंदा दुखी रहता तो और दुखी क्या करेगा आदमी, डिप्रेस हो नहीं सकता। हाँ पापा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ झूठ। तो दोस्तों डिप्रेस नहीं होना है, डिप्रेशन को डिप्रेस कर दो। और सेकंड हमने ना डिस्कस किया बच्चों की पढ़ाई, जो जब से ये लॉकडाउन हुआ है बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई है, इवन उनका जो शेड्यूल है टोटली मतलब कि कोलैप्स हो गया, खाने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, उठने का नहीं पता, 24 घंटे तो मोबाइल में रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को हमने जब से लॉकडाउन हुआ था ऑनलाइन क्लासेस चक्कर में अच्छे मोबाइल ला दिए, क्लासेस तो पता नहीं लेकिन वो चल रही हैं, आई थिंक आप लोगों को भी साथ हो रहा होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि या मेरी एक अपनी ओपिनियन है कि हम लोगों को इनका शेड्यूल सख्त तरीके से बनाना चाहिए, मॉर्निंग में उठने से लेके रात को सोने तक उनका टाइम टेबल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग इनको ना ट्रीट करो। इनको थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए बाहर भी ले जाओ, चाहे पार्क में ले जाओ या कहीं भी ले जाओ, इनको थोड़ा सा घर से बाहर भी निकालो, क्योंकि घर में बैठ बैठ के ये और ज़्यादा जगह पर डेड हो गए एक तरीके के, इनकी बॉडी अंदर से बिल्कुल ऐसा होता है ना जैसे लुल्लू रहता है, लुल्लू लुंज टाइप के लोग तो ऐसे हो गए। ये मेरी ओपिनियन है, क्योंकि ये लोगों का जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे ये ढंग से खाएंगे नहीं पियेंगे नहीं, क्योंकि बॉडी वर्क कर नहीं रही है तो नेचुरल है भूख नहीं लगती है फिर, और उल्टी चीज़ें चीज़ें खाते हैं घर बैठ के तो इस वजह से ऑलरेडी भूख नहीं लगती। मेरा लड़का देखो ना 5-5 बजे कभी कभी खाना खाता, तो सर कभी बे टाइम पे अगर खाता है तो फिर उसके बाद टॉयलेट जाता है, ऑब्वियसली सिस्टम आपको ख़राब हो जाता है, तो ये करना चाहिए। और तीसरी प्रॉब्लम जो है ना घरों की, वो है हमारी घर की गृहिणियों के साथ, चाहे वो माँ है चाहे बहन है, कोई भी है वाइफ है, क्योंकि उनका भी जब से लॉकडाउन हुआ है पूरा सिस्टम ख़राब हो गया है, क्योंकि नेचुरल है किसी के फंडिंग के इशू है, किसी को घर पे इतने ज़्यादा बैठे बैठे उनको बनाना पड़ता है, बार बार कभी कुछ करता है, तो उनके साथ भी टाइम पास करो, काम में हाथ बटाओ, डिप्रेशन वैसे ही नहीं होगा, वाइफ को देख के डिप्रेशन हो सकता है, कह रही बोल कौन रहा है, अरे भाई लोगों आपको देखते रहो दोस्तों, मैं कितना काम करता हूँ, काम मेरे साथ ना कोई काम कर नहीं सकता, मेरा तो प्रूफ है, मैं तो वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं कितना काम करता हूँ, ये बोल नहीं सकती कि मैं काम नहीं करता, पीछे से एक उंगली कर रही है मेरे को, ये देखो बोल कौन रहा है जो काम कुछ नहीं करता, अच्छा देख रहे हैं आप इस वाले ब्लॉग में मेरे ख्याल से आ रहा होगा, आपको पता चलेगा मैंने कितने पर्दे लगाए हैं जो पीछे दिख रहे हैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग फॉलो करो, और दोस्तों जो डिप्रेशन में है ना भाई उसके साथ मत छोड़ो, उसके साथ रहो, क्योंकि आप लोग साथ रहोगे ना तो उसको हिम्मत बनेगी, और उसके साथ उसका मन लगा के रखो, उसको इतना मन लगा दो ना, बस पूछो मत, मन लगा दो उसका, चलो बाय। दोस्तों मेरा डिप्रेशन बस एक ही है, मुझे जल्दी से वो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरा डिप्रेशन दूर कर दो, ठीक है दोस्तों। कितना भी टाइम टेबल बना लें, हम घर के बच्चों का ना बुरा हाल हो रखा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने रूम में बैठ के क्या कर रहा है,
ये चल रहा है व्हाट्सअप और सामने चल रहा है पबजी। ये सुबह उठता है, इसके हाथ में आपको पता ही मोबाइल आ जाता है। आप लोगों ने कितने ब्लॉग देखे होंगे, इसके मतलब हाथ में मोबाइल रहता है और यहाँ पर पबजी रहता है और उसके अलावा कुछ नहीं। ओए मार दो ऊपर से, कूद जा और जंप कर जा, बस ये चलता रहता है। इसे पूछो कि क्या कहते हैं अपनी जो कॉलेज की जो अभी एंट्रेंस टेस्ट की जो तैयारी चल रही है वो कितनी हुई है, कितनी हुई है भाई, कितनी हुई है, हैं? वो भी कर रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही। मैं वो भी कर रहा हूँ साथ साथ में, मेरे को तो लगता नहीं। वो देखो दोस्तों बुक रखी हुई है, इसमें कितने कितना कितना हो गया होगा। कल चार पेज थे, आधी कर ली। अच्छा बहुत सारी चीज़ें देख करने के लिए, देखते हैं क्या होगा। चलो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों दो दिन से बारिश नहीं हुई है, अब हो गई है गर्मी और मेरे से घर में टी शर्ट में नहीं बैठा जाता। जब मैं सिस्टम के आगे होता हूँ तो मैं थोड़ा टी शर्ट पहन लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर से वापस मैं अपनी इसमें आ जाता हूँ। इसमें पंडित जी को बहुत अच्छा सा फील होता है, खुला खुला मतलब ऐसा होता है कि हवा में उड़ रहा हूँ मैं। दोस्तों जिम भी जाना है, अब क्या खाऊं वही सोच रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं कि बनाना है नहीं घर में कि नहीं, मेरे ख्याल से होने चाहिए बनाना क्योंकि लेके आए तो थे, अब वो बाहर गई हुई है, आने दो। मैं डिपेंडेंट हूँ भाई, कोई शर्म नहीं है बोलने में, हम वाइफ पे डिपेंडेंट है, पूरे डिपेंड है हम और डिपेंड है बस। दोस्तों जिम से मैं अभी जस्ट अंदर घुसा हूँ और अंदर घुसते ही खुशबू आ रही है। मैंने कहा यार ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है, क्योंकि जब जिम से आते तो भूख लगती है। मैंने कहा यार खुशबू बड़ी तगड़ी आ रही है, क्या खुशबू आ रही है, तो पता चला है कि स्पेशल कुछ बनाया है और हमारा दिल गार्डन हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या बनाया है। तो दोस्तों देखो ये बनाया है मेरा फेवरेट पनीर बटर मसाला। दोस्तों ये देखने के बाद ना मेरे को भूख बहुत जोर की लग गई है, क्योंकि जब अब पता ही आप लोगों को जिम से आने का भूख लगती है और हम एग वगैरह कुछ खा नहीं सकते और बार बार रोज क्या पिलाते हो मेरे को, बनाना शेक, और सब बात है उसको पिलाते हो फिर काम करवाते हैं। पर ये मज़ा आ गया, इसके तो हम काम भी कर लेंगे, पर रात है अभी क्या कम कर सकते हैं, डिनर में खाएंगे हम ये। दोस्तों नहा लिए हैं, फ्रेश हो गए, अब हमारा आ गया डिनर। और डिनर आपको पता ही है क्या है, पनीर मसाला या क्या कहते हैं इसको। दोस्तों मैं ना हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, पनीर मसाला या बटर पनीर बटर मसाला, बटर पनीर बटर मसाला ना, ओ यस मुझे याद। तो क्या करें, हम को खाने से मतलब है बस पनीर होना चाहिए, वो कोई भी किसी तरह का हो, क्योंकि नॉनवेज नहीं खाते जो लोग वो फिर पनीर पे डिपेंड होते हैं। हम खाते हैं पनीर की सब्जी, अब ठीक है पनीर की सब्जी इसमें कुछ भी ऐड हो सकता है, बटर कुछ भी मस्त, बहुत सारी रोटी खाऊंगा आज। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे ब्लॉग को, और डिनर वगैरह हमारा सब हो गया और अब मैं करता हूँ इस ब्लॉग का एंड, बिकॉज एडिटिंग भी करनी है, फिर कल आप लोगों को दिखाना भी है, नहीं तो मेरी आँखें फिर सूजी नज़र आएंगी आप लोगों को, स्वेल्ड होएगी। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में बहुत जल्द, ओके बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और ब्लॉग को कर देना लाइक, बाय टेक केयर लव यू।